हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन करना सिखाऊंगा। ठीक है, रेशनल फंक्शन होता क्या चीज है? देखो, रेशनल फंक्शन का मतलब होता है एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में इंटीग्रैंड दिया हुआ हो, जिसे आप इंटीग्रेट कर रहे हो वो एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में हो और एफ एक्स और जी एक्स दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन हो। ठीक है, तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल इस फॉर्म में दिया रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल फंक्शन, या सिंपली पॉलिनोमियल भी दिया हुआ है तो उसको भी रेशनल फंक्शन हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो, जैसे मान लो आप लोगों को इंटीग्रेट करना हो 1 अपॉन x² + x + 1। देखो, हम लोगों को जो सीखना है वो इसे सीखना है, जैसे px + q / ax² + bx + c के फॉर्म में अगर कोई इंटीग्रैंड दिया हुआ है तो हम उसे इंटीग्रेट कैसे करें। तो मैं स्टार्टिंग यहाँ से कर रहा हूँ और तुम्हें बताऊँ इसमें जो ज़रूरत पड़ेगी, इसमें एक तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का फार्मूला क्या है? देखो, जैसे x² + bx लिखा हुआ है तो इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना के x + b/2 2 लिख सकते हैं। ठीक है, x² + bx को आप x + b/2 2, देखो परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, -b/2 2। जैसे x² + 4x लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो x + 2 2 - 2। समझ में आ रही बात? देखो दोनों बराबर है। अच्छा, तो जैसे x² + 6x लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हो? x + 3 2 - 9 3 2। ठीक है, x + 3 2 - 3 2। ये समझ में आ रहा है ना? इसको इसका आधा देखो, इसका जस्ट हाफ। तो x + b/2, अगर x² और x का टर्म एक साथ दिया हुआ हो और हमें उसे एक ही टर्म में परफेक्ट स्क्वायर करके बनाना हो, लीनियर का स्क्वायर करके ऐसे बनाना हो, तो हमें क्या करना होता है? इसका जस्ट हाफ जो होता है ना, उसे डिवाइड करके होल स्क्वायर कर देते हैं और b/2 2 जो होता है उसे माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया? जैसे x² + 8x है तो इसको क्या लिखेंगे? x + 4 2 - 4 2। तो -4 2 कितना हुआ? -4, जो आपने यहाँ पे स्क्वायर किया उसको माइनस कर लीजिएगा, माइनस स्क्वायर कर लीजिएगा। x + b/2 2 - b/2 2 था तो x + 4 2 - 16 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो। तो देखो, इसमें जो पॉलीनोमियल अपॉन पॉलीनोमियल वाला जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें तुम लोग ध्यान देना, इसमें क्वाड्रेटिक का यूज सबसे ज्यादा होता है। तो नीचे क्वाड्रेटिक है या ऊपर क्वाड्रेटिक है तो आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। तो जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है x² + x + 1, तो आप लोग इसे परफेक्ट स्क्वायर में लेंगे तो 1 अपॉन x + 1/2 2 -1/4 + 1 लिख सकते हैं इसे। ठीक है, देखो ध्यान से, अरे भाई x² + s लिखा हुआ था तो यहाँ पे 1 है तो 1/2, x + 1/2 2 जब लिखा तो आपने देखा कि 1/4 एक्स्ट्रा आ रहा है तो -1/4 कर दिया ताकि इसके बराबर हो जाए, तो ये दोनों बराबर है। +1 बाहर लिखा हुआ था तो ठीक है, उसको +1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही बात? तो x + 1/2 2 करके पहले हमने इसको ठीक किया, -1/4 कर दिया ताकि जो एक्स्ट्रा आ जा रहा है वो माइनस हो जाए, +1। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद इसको क्या लिखेंगे? 1 अपॉन x + 1/2 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3/4, सही है? देखो, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/4। अच्छा, अब इसे लिख सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x + 1/2 2 और +√3/2 2 dx। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है, तो जो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था उसे हम लोगों ने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और तुम लोगों को फार्मूले याद होंगे, जहाँ तक मुझे समझ में आता है तुम लोग याद जरूर किए होंगे। इसका फार्मूला क्या होता है? 1 अपॉन x² + a² ये फार्मूला क्या होता है? बोलो कितना होता है? 1 अपॉन a tan inverse x / a + c, ये फार्मूला याद है ना? तो उसी फार्मूले को हम यूज कर देंगे और ये आ जाएगा 1/√3/2 tan inverse x + 1/2 √3/2 + c। समझ में आ रही बात? तो जब नीचे सिर्फ क्वाड्रेटिक दिया हुआ हो तो आप उसे परफेक्ट स्क्वायर में बदलिए तो वो या तो इस फार्मूले में आ जाएगा या इस फार्मूले में आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ये वाला फार्मूला भी आपको याद होगा, 1/2a log mod के अंदर x - a / x + a। ठीक है, और हो सकता है कि वो इस फार्मूले में आ जाए a² - x², तो इसका भी फार्मूला क्या होता है? 1/2a log
मॉड के अंदर a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। चलिए फिलहाल पहला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है, तो परफेक्ट स्क्वायर बना के हम लोगों ने किया इसे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ है इसमें, अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया जाए इस क्वेश्चन में, जैसे न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर का जो है डेरिवेटिव रख दिया जाए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2x प्लस 1 होता, तो अब आप ये बताओ क्या परफेक्ट स्क्वायर करने की ज़रूरत पड़ती है आपको? खुद सोचो, क्या इसमें परफेक्ट स्क्वायर करने की ज़रूरत पड़ती अगर ये दिया होता 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1? तो देखो इसका डेरिवेटिव है ना ऊपर वाला, अगर इसका ऊपर वाला डेरिवेटिव है तो आप इसको डायरेक्टली t मान लीजिए। देखो जब कभी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दिया हुआ तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है या नहीं। अरे भाई जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन, कोई इंटीग्रैंड है वो इस फॉर्म में है, ठीक है, तो अब आप लोगों के पास सबसे पहला तरीका ये है कि एफ एक्स को टी मान लीजिए और एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी बना लीजिए। ऐसा करने से ये बहुत आसान हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, डी टी अपॉन टी बन जाएगा और ये लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी आ जाएगा और टी की वैल्यू वापस एफ एक्स रख देना, लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। तो देखो यहाँ पे अगर ऊपर लीनियर है और ऊपर से डेरिवेटिव है, सबसे पहले क्वेश्चन देख करके ना आप लोग ये देखा सोचा करो कि कोई किसी का डेरिवेटिव तो नहीं है, अगर डेरिवेटिव है तो तुम्हें एक्स्ट्रा फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखा करो कोई किसी का डेरिवेटिव है या नहीं, अगर कोई किसी का डेरिवेटिव है तो एक्स्ट्रा फायदा ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो यहाँ पर हमने देखा पाया कि यार डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो न्यूमरेटर है, तो हमने क्या किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को टी मान लिया, हमें लग रहा है ये ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक है, हमने इसको टी मान लिया। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया 2x प्लस 1, चूँकि x वेरिएबल है यहाँ पे तो dx, t का डेरिवेटिव 1 और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, और ये t वेरिएबल है तो 1 dt, समझ में आ रही बात, तो 1 हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करिए, ये t वेरिएबल है तो dt, x वेरिएबल तो dx। अब इसका हम यूज़ करेंगे, तो ऊपर कितना बना देखो 2x प्लस 1 dx बराबर dt है तो, और ये dt बन जाएगा तो dt अपॉन क्या बन जाएगा, t बन जाएगा, सही है, और ये बन जाएगा log mod t प्लस सी, और इसका आंसर क्या जाएगा log mod x स्क्वायर प्लस x। यहाँ तक ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फंसना है, अगर इसमें फंसाने वाला क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसका ये डेरिवेटिव नहीं होगा, कुछ और लिखा होगा, तब आप लोग फंस जाते हो, तब वहाँ पर कुछ स्पेशल तरीका लगाना पड़ता है। देखो पहले क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया कि डिनोमिनेटर अगर सीधा सीधा क्वाड्रेटिक है तो क्या करना पड़ता है, उसको परफेक्ट स्क्वायर बदल लीजिए, बदल करके तब सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन होता 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 या 9 ऐसा कुछ होता और आपको कहा जाता है इसे सॉल्व करो, तो सबसे पहले 1 बाई 5 कॉमन ले लेते, मतलब 5 नीचे से 5 कॉमन ले लेते, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई 5x प्लस 9 बाई 5 बसता, और जैसे इसके पहले कर रहे थे वैसे हम लोग इसको कर लेते 1 अपॉन x प्लस 1 बाई 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 25 प्लस 9 बाई 5, ऐसा करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं भाई, 2 बाई 5 का आधा 1 बाई 5 है ना, ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे ओवरऑल माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है उससे हम लोग समझ लेते हैं कि फार्मूला कौन सा यूज करें। फिलहाल अभी नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो नीचे वाले को हमने टी मान लिया, ऊपर वाला डी टी बन गया, तो डी टी अपॉन टी आ गया, डी टी अपॉन टी का मतलब लॉग वाले फार्मूले में चला गया। अब इसमें फंसता है जो, वो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ इसमें। देखो अगर मान लो तुम्हारे सामने क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए कि इंटीग्रेट मान लीजिए 5x प्लस 9 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, मान लीजिए इसे कहा जाए, इसे इंटीग्रेट करिए। अब सिंपली नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर बना के तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जब नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद फायदा तब देगा जब 1 अपॉन या कोई कांस्टेंट अपॉन ये दिया हुआ, तब तो ये इससे फायदा हो जाता, पर यहाँ पे तो लीनियर है और ऊपर से ये वाला इसका डेरिवेटिव भी नहीं है, तो अब इसमें क्या हम लोग करें कि ये सॉल्व हो जाए, सोचो कि हम इसमें क्या करें कि सॉल्व हो जाए। अब नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर है और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, और अगर ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर वाले को नीचे वाले का डेरिवेटिव बनना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बनाएंगे, समझ में आ रही बात। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव तो ये है नहीं, तो इसको बनाए कैसे, बड़ी समस्या। तो सुनो क्या करना क्या है, मैं तुम लोगों को इसका शॉर्टकट बताता हूँ या टेक्निक बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है एग्जाम में, ठीक है। देखिए आप सीधा सीधा इसका डेरिवेटिव लिख दीजिए,
तुम ये सोचो कि ऊपर अगर 2x प्लस 1 होता तो कितना अच्छा होता, ऐसा सोच सकते हो ना। अगर ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है तो नीचे वाले का डेरिवेटिव लिख दीजिए, ठीक है। अब यहां पे 5x है, यहां पे 2x है, अरे यार, तो 5/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5/2 से मल्टीप्लाई करने से मैंने ये क्यों मल्टीप्लाई किया होगा खुद सोचो जरा। देखो मुझे जो चाहिए था मैंने अपनी मर्जी से लिख लिया, पर हर जगह अपनी मर्जी तो चलेगी नहीं, तो यहां पे जो लिखा इसको इसके बराबर करने के लिए मैंने 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे पता है 5/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5x बन जाएगा, अरे वाह, इसका टेंशन तो खत्म। हाँ, यहां पे -5/2 जरूर कर देंगे क्योंकि 5/2 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो ठीक है 5x को हम ये लिख सकते हैं, ये पूरा 5x के बराबर है। देखो ध्यान से, ये 5x प्लस 5/2 -5/2, अरे वाह 5x, अच्छा प्लस 9 लिख दो, 9 को मत भूलना, ठीक है ये 5x है, ठीक है जो चाहिए वो लिख दो, जो चाहिए जो मतलब चाहिए क्या, नीचे वाले का डेरिवेटिव चाहिए, तो आप नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव लिख दो और कुछ मल्टीप्लाई वगैरह प्लस माइनस करके ऊपर वाले के बराबर सेट कर दो, ठीक है। तो ये हमने किया। अच्छा, अब इसके बाद हम ये लिख सकते हैं 5/2 2x + 1 अपॉन, और इधर जो है x² + x + 1, चलो ठीक है ये अलग हो गया, और या तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दो, इसको मैं लिख सकता हूँ 5/2 ∫ 2x + 1 / x² + x + 1 dx, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कितना आ जाएगा, 18 18 - 5 13, तो +13/2 और 1 / x² + x + 1, समझ में आ रही बात बच्चों, ठीक है। तो हमने इस जो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दिया हुआ था तो उस लीनियर को हमने क्वाड्रेटिक के डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा और लिख करके दो भागों में तोड़ा। अच्छा, अब इसको अगर हम t मान लेंगे तो ये dt बन जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखिएगा 5/2 i1 लिख दीजिएगा, उसको 13/2 i2 लिख दीजिएगा, वेयर i1 बराबर दिस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, i2 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ दिस, और फिर i1 i2 को अलग से सॉल्व करके आप लोग फिर वापस इसमें आंसर में रख दीजिएगा, ठीक है। वैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सॉल्व किया ही था, ठीक है, क्या सॉल्व किया था याद करो, इसका आंसर क्या आया था, इसको अगर टी मानेंगे तो ये डी टी बनता है, तो डी टी बाई टी बनता है, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड टी, तो लॉग मॉड x² + x + 1 आ गया, समझ में आ रही बात। और 13/2 याद करो इसको कैसे सॉल्व किया था, 1/x + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और -1/4 + 1 याद आ रहा है ना सब, बस उसी प्रोसेस से तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाओ, फिर इसका आंसर लिख दो वो टैन इनवर्स में जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया था, ठीक है। तो आप लोग दो भागों में तोड़ना जान गए कि जो नीचे लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, बस ये पहले लिख दो और उसके बाद जो हिसाब किताब लगाना हो वो हिसाब किताब बाद में लगा लेना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ और उसको आप लोग इसी तरह सेट करिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ मान लीजिए 3x + 4 / x² + 5x + 7, ठीक है, आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ बच्चों क्या करें, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे बोलो। ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने आप लोगों को बताया था क्या करते हैं, ऊपर नीचे वाले का डेरिवेटिव होना चाहिए, तो x² + 5x + 7, ठीक है, dx, और ऊपर इसका डेरिवेटिव होना चाहिए तो 2x + 5, ठीक है, 2x + 5 लिख दिया भाई, इसका डेरिवेटिव 2x + 5 है, अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर होगा तो इसको t मानेंगे dt बन जाएगा, तो ये फायदा मिल जाता है हम लोगों को, ठीक है। तो नीचे वाले का ऊपर वाला डेरिवेटिव होना चाहिए, तो लीनियर लिखा है तो मैंने पहले ही लिख दिया। अब आप लोग बताओ क्या मल्टीप्लाई करें, तुम लोग बोलोगे तो लिखूंगा, बोलो क्या, बोलो हाँ क्या क्या लिखें बताओ, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई, 2/3 2/3 की 3/2, अगर 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3x बन जाएगा, इसका काम तो हो गया, अरे भाई इसको अंदर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 3x। अच्छा, -15/2 जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ये करने में 3/2 × 5 मतलब 15/2 एक्स्ट्रा आ गया, और +4 कर दीजिएगा, अब समझदार हो ही तुम लोग, समझदार तो हो ही तुम लोग, 2x + 5, बस थोड़ा सा लापरवाही करते हो, समझदार सब लोग हो, देखो भगवान ने दिमाग में तुम्हारे सब कुछ दे रखा है, बस तुम्हें डिसीजन किधर की तरफ लेना है, इंपॉर्टेंट ये होता है, ठीक है, तुम्हें पता है सही क्या है गलत क्या है, ठीक है, तुम गलत की तरफ मोटिवेट हो जाते हो, कभी कभी सही काम की तरफ मोटिवेट हो जाते हो, और कोई तुम्हें बताता है बेटा सही काम ये है,
तो तुम लोग सही काम की तरफ थोड़ी देर के लिए मोटिवेटेड रहते हो, अंदर से मोटिवेशन तो रहता नहीं है, तो दूसरे कह दिए तो थोड़ी देर के लिए मान लिए, फिर तुम्हारी जो हैबिट है, जो तुम्हारा जो नेचर है वो तुम्हें फिर गाइड करता है और फिर तुम अपने मर्जी से रास्ता चुन लेते हो। ठीक है, तो अंदर से मोटिवेशन आपके आना चाहिए कि आखिर कोई काम आप क्यों कर रहे हो। ठीक है, फिलहाल 3/2 ये हो गया। ठीक है, अच्छा ये जो है अगर आप -15/2 +4 कर रहे हो, अब ये समझ में आ रहा है ना कि जो नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए था और हमने कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करके हम लोगों ने उसे दो भागों में तोड़ने की कोशिश करी, और एक भाग में तो भाई इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो ये तो लॉग में आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो बगल वाला जो है ये कितना आएगा, इधर आएगा -7/2 आ जा रहा है क्या, देखो जरा 1/(x²+5x+7dx) देखो बच्चों, सही है, हाँ सही है। ठीक है, तो ये जो है -7/2 और इधर जो है 1/(x²+5x+7), ठीक है। अच्छा इधर का आंसर बता सकते हो, 3/2 log क्या x² उसके आगे बोलो 7, ठीक है, उधर -7/2 और इधर क्या होता है बोलो, इधर क्या करेंगे 1/(x+5/2)² -25/4 और +7 और ये dx हो जाएगा। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है, अब इसको अपना प्रोसेस में लगा देना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा फार्मूला आएगा, 24 3/4, हाँ ठीक है वो tan inverse वाले फार्मूले, इन दोनों को पहले आप काउंट कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, देखिएगा अगर प्लस आता है तो tan inverse वाला फार्मूला लग जाएगा, 1/(a tan inverse x/a) वाला रूल। ठीक है, उसमें ये x पूरा ये है। ठीक है, और अगर मान लीजिए माइनस आता है तो 1/(2a log वाला फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।